नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। क्राइम की दुनिया में अक्सर हम एक नाम सुनते आए हैं और यह नाम है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। हाल फिलहाल ये अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। जानकारी के अनुसार डॉन दाऊद को जहर दिया गया है, दो दिन से अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि दाऊद भारत का सबसे मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी में गिना जाता है। एनआईए ने पिछले साल इनामे की राशि की लिस्ट जारी की है। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। इसके साथ ही दाऊद को संयुक्त राष्ट्र ने भी ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर रखा है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने भी 2003 में दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कई राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कई मामले दर्ज किए हुए हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की तस्करी के मामले भी शामिल है। साथ ही दाऊद इब्राहिम पर मुंबई में 1993 में बम धमाके कराने का आरोप लगा हुआ है। बता दें इसमें 257 लोग मारे गए थे और 700 लोग घायल हो गए थे। दाऊद इब्राहिम पर हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग, ड्रग्स की तस्करी के भी कई आरोप है। बताया जाता है कि वो इस समय कराची यानी कि पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इससे इनकार करती है। दाऊद इब्राहिम अभी अस्पताल में भर्ती है। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।